Assalamualaikum, my dear students. हम comprehension कर रहे हैं chapter number 6, valuing others, दूसरों की एहसासात की कदर करना. आज हम करेंगे compound words. आप देख रहे हैं कि आपके सामने दो अलग-अलग चीजें हैं, cup और cake, और इन दोनों को मिला के एक नया word बनता है, वो है cupcake. तो आइए जरा और मिसालें देखते हैं. ये क्या है? बटर. बटर को उर्दू में मक्खन कहते हैं. और ये क्या है? फ्लाई. फ्लाई को उर्दू में मक्खी कहते हैं. अब इन दोनों को मिला के क्या बने? बटर प्लस फ्लाई इज बटरफ्लाई. और बटरफ्लाई आपको पता है कि तितली को कहते हैं. तो आप देखें कि इसमें बटर और फ्लाई दो अलग-अलग वर्ड्स हैं, लेकिन तीसरा इनको मिला के एक बिल्कुल नई चीज, एक वर्ड बना जिसके बिल्कुल नए मानी है. ये क्या है? रेन हो रही है, बारिश. और ये क्या है? इसको बो कहते हैं, बच्चियां बालों में लगाती हैं. अब इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा? रेनबो. आपको पता है कि रेनबो कोसे कजा को कहते हैं. सूरज जब टेढ़ा होता है तो बारिश के कतरे जो हैं वो प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं. और आपको पता है कि जो सफेद रोशनी है वो सात रंगों का मजमुआ होती है. तो वो सूरज की रोशनी जो है बारिश के कतरों की वजह से सात रंगों में तकसीम हो जाती है और हमें एक आर्क, एक कोस नजर आती है. तो इसको कहते हैं कोसे कजा या रेनबो. टू स्मॉल वर्ड्स कैन बी पुट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू वर्ड. दो छोटे वर्ड्स को इकट्ठा बना करके एक नया वर्ड बनता है. This new word is called compound word. और इस नए word को compound word कहते हैं. The new word has an entirely different meaning. जो नया word बनता है उसके बिल्कुल फर्क मानी होते हैं. तो आए कुछ examples और देखते हैं. Look at the picture below. Circle the things that are written as compound words. अब आप गौर से इस picture को देखें. तो हमने ये चीजें एनसर्कल की हैं. एक फ्लावर है, बर्ड है, बॉल है, बास्केट में स्ट्रॉबेरी है, कपकेक्स पड़े हुए हैं और ये एक लेडी बग है. तो आए देखते हैं. सनफ्लावर. सनफ्लावर एक खास तरह का फूल होता है जो कि सूरज की तरफ, जहां जहां सूरज जैसे जैसे तलू होता है तो इसका मशरक की तरफ मुंह होता है, और जैसे जैसे सूरज मगरिब की तरफ ढलता है तो ये उस तरफ, सूरज की तरफ घूमता जाता है. तो वैसे सन सूरज को कहते हैं. और फ्लावर कोई भी फूल हो सकता है, लेकिन सन फ्लावर एक ही वर्ड का नाम है, जो खास फूल है जो सूरज के साथ अपना रुख तब्दील करता रहता है दिन में. फिर ये है फुटबॉल. तो आप देखें कि ये फुटबॉल है जिससे पाँव से इससे एक गेम भी खेलते हैं, फुटबॉल मैच खेलती हैं टीमें. फुट पाँव को कहते हैं. और बॉल कोई भी ऑर्डिनरी बॉल या गेंद हो सकती है. तो फुटबॉल एक स्पेशल टाइप का बड़ा बॉल होता है. ठीक है. इसी तरह लेडी बग. ये लेडी बग है. लेडी जो है वो खातून को कहते हैं. और बग जो है वो कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो होता है वो बग कहलाता है. लेकिन लेडी बग ये एक खास तरह का कीड़ा होता है जिसका सुरख रंग होता है, उसके ऊपर ये ब्लैक धब्बे होते हैं. नेक्स्ट है कपकेक. तो कप जो है इसमें चाय पीते हैं और केक वैसे, लेकिन कपकेक जो है वो दो अल्फाज का मजमुआ है. इसी तरह स्ट्रॉबेरी एक कंपाउंड वर्ड है. स्ट्रॉबेरी एक फ्रूट का नाम है जो आपको बास्केट में नजर आ रहा है. और स्ट्रॉ तिनकों को कहते हैं और बेरी छोटे फ्रूट को कहते हैं. तो स्ट्रॉबेरीज जो है वो एक स्पेशल तरह का फ्रूट है जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है. इसी तरह हमिंग बर्ड. हमिंग कहते हैं सुरीली आवाज़ को. और बर्ड तो कोई भी परिंदा हो सकता है, लेकिन हमिंग बर्ड एक खास तरह का परिंदा होता है जिसकी आवाज़ सुरीली होती है. राइट फोर कंपाउंड वर्ड्स. अब आपने कोशिश करनी है कि हम खुद से आप कंपाउंड वर्ड्स लिखें. चलें शुरू करते हैं. ये क्या है? लेफ्ट साइड पे है बास्केट. और ये क्या है? ये बॉल है. तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वेरी गुड.
बास्केटबॉल, बास्केटबॉल एक गेम है जिसमें प्लेयर जो है वो बॉल को बास्केट पोल पे लगी होती है उसके अंदर डालता है, तो ये है बास्केटबॉल। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है, ये क्या है? टूथ। टूथ को उर्दू में दांत कहते हैं, और ये पेस्ट है क्रीम जैसी, तो इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? शाबाश, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट एक स्पेशल पेस्ट होती है जिसे ब्रश पे लगा के दांत साफ करते हैं। हाँ, रात को सोने से पहले अच्छे बच्चे जो हैं अपने दांत जरूर साफ करते हैं। टूथपेस्ट, ये क्या है? बेड, बिस्तर को बेड कहते हैं, और रूम कोई भी रूम हो सकता है, लेकिन जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बेडरूम। बेडरूम जो है वो कमरा होता है जिसमें बेड पड़ा होता है और आप सोने के लिए जाते हैं, तो बेडरूम जो है सोने के कमरे को कहते हैं। नेक्स्ट है, ये क्या है? व्हील। व्हील पहिए को कहते हैं और चेयर कुर्सी को कहते हैं। अब इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा? व्हील चेयर। एक स्पेशल चेयर होती है जो डिसेबल्ड पीपल यूज करते हैं, जिससे वो जिनकी टांगों से चला नहीं जाता वो इसके ऊपर बैठते हैं, तो ये व्हील चेयर कहलाती है। तो देखें कि किस तरह से दो सिंपल वर्ड्स मिलकर एक कंपाउंड वर्ड बना। सक्सेसफुल पीपल आर नॉट गिफ्टेड। सक्सेसफुल जो कामयाब लोग होते हैं उन्हें तोहफा नहीं मिलता, बल्कि दे जस्ट वर्क हार्ड, वो खाली मेहनत करते हैं, देन सक्सीड ऑन पर्पज, और फिर अपने मकसद में कामयाबी हासिल करते हैं। तो माई डियर स्टूडेंट, जस्ट वर्क हार्ड, रोज का रोज काम करें, और दुनिया की किताबों के साथ अल्लाह की किताब को रोज पढ़ना मत भूलें। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।